किस तरह से आपको ये फर्मेंटेड राइस वाटर बनाना है जिससे कि इसकी प्रॉपर्टीज और बेनिफिट्स और भी ज्यादा बढ़ जाए और आपके बालों की जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे से बूस्ट कर सके। ये हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिकल रेमेडीज। आई रियली होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे होंगे, खुश होंगे एंड सेफ होंगे। आज की इस वीडियो में जो रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है राइस वाटर। राइस वाटर यानी कि चावल का पानी। हम किस तरह चावल के पानी को यूज़ कर अपने बालों की हेयर ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। अगर इस रेमेडी को आप मेरे बताए हुए तरीके से अगर यूज़ करेंगे और कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आपके बालों की ग्रोथ वो डेफिनेटली बढ़ेगी ही बढ़ेगी। विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट इन टू द वीडियो। फ्रेंड्स, चाइना में एक विलेज है जिसे लैंड ऑफ रुपेंजल भी कहा जाता है। उस विलेज को लॉन्ग हेयर विलेज का एक निकनेम भी दिया गया है। आप एक बार गूगल कर देखिएगा, वहाँ की जो लेडीज होती है वो अपने बालों में राइस वाटर का यूज करती हैं, जिसकी वजह से उनके जो बाल है वो काफ़ी लंबे, काले, घने होते हैं और बहुत ही खूबसूरत बाल उनके होते हैं। कि एज अगर 60-70 भी हो जाती है उसके बाद भी जो उनके बाल हैं वो काले ही रहते हैं। फ्रेंड्स, राइस वाटर एक मैजिक की तरह काम करता है आपके बालों पर। अगर आपको आपके बालों की ग्रोथ बढ़ानी है तो आपको राइस वाटर का ज़रूर यूज़ करना चाहिए। राइस वाटर बनाने के दो तरीके होते हैं, एक होता है प्लेन राइस वाटर और एक होता है फर्मेंटेड राइस वाटर। तो आज हम बनाएंगे फर्मेंटेड राइस वाटर। राइस वाटर में होते हैं अमीनो एसिड, मिनरल्स, विटामिन बी एंड विटामिन ई, जिससे आपके बालों को ये ग्रोथ बढ़ाने में तो हेल्प करता है, बट साथ ही ये आपके बालों में काफ़ी शाइन भी लेकर आता है। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा उलझते हैं तो ये आपके बालों को सॉफ्ट बनाता है। और इस तरह से राइस वाटर बनाना है जिससे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ और बेनिफिट्स और भी ज़्यादा बढ़ जाए, वो सब कुछ आज मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूँगी। और मैंने इतना राइस वाटर क्यों बनाया है ये भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो के एंड में ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर राइस वाटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 से 6 चम्मच राइस का लिया है। उसे मैं अच्छे से वॉश करूँगी और 3 से 4 बार आप इसे टैप वाटर से अच्छे से वॉश कर लीजिए, जिससे कि इसमें कोई भी डस्ट वगैरह वो निकल जाएगा। और उसके बाद जितना आपने राइस लिया है उसका डबल क्वांटिटी आप उसमें पानी ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके आधे घंटे के बाद आप देखेंगे कि जो राइस का जो कलर है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, मतलब उसका कलर मिल्की वाइट सा आपको दिखेगा। तो आप उस पानी को छन्नी की हेल्प से उसे छान लेंगे। तो ये आपका रेडी हो गया एक प्लेन राइस वाटर। रेमेडी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ वो है फर्मेंटेड राइस वाटर की। तो फर्मेंटेड राइस वाटर हम किस तरह से बनाएंगे कि जो वाटर हमने एक्सट्रैक्ट किया है, जो पानी हमने अलग से निकाल कर रखा है, अब हम उसे फर्मेंट होने के लिए रखेंगे 24 घंटे के लिए। 24 घंटे तक आप इसे किसी भी कंटेनर में अलग से निकाल लीजिए और 24 घंटे के लिए आपको इस पानी को अलग करके रखना है। और 24 घंटे के बाद आपका जो ये राइस वाटर है, फर्मेंटेड राइस वाटर है, वो बिल्कुल बनकर रेडी हो जाएगा। और इस राइस वाटर को आप स्टोर करके रख सकते हैं 10 दिन के लिए फ्रिज में। हम इस वाटर को फर्मेंट करते हैं तो इसकी जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और इसके अंदर पिटारा नाम का एक यीस्ट पदार्थ बनता है, जिसकी वजह से ये हमारे बालों को प्रीमेच्योर ग्रेइंग होने से भी रोकता है। यानी अगर किसी को बहुत ही जल्दी बाल सफ़ेद होते हैं तो ये उसे भी रोकने में हेल्प करता है। फर्मेंटेड राइस वाटर आपके स्कैल्प के पीएच लेवल को बैलेंस करता है और फॉलिकल को बहुत ही अच्छे से नरिश करता है, जिसकी वजह से आपके बालों की हेयर ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होती है। इस राइस वाटर को यूज़ करने के लिए मैं इसे एक स्प्रे बॉटल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। आप चाहें तो इसे कॉटन की हेल्प से भी लगा सकते हैं, पर अगर आप स्प्रे बॉटल से लगाएंगे तो थोड़ा ईजी हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप हमारा, हम सबसे पहले अपने बालों को डिटेंगल कर लेंगे। उसके बाद इस राइस वाटर को हम अपनी स्कैल्प पर, पूरे स्कैल्प पर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। जब स्कैल्प पे बहुत अच्छे से ये स्प्रेड हो जाएगा, उसके बाद आप हल्के हल्के हाथों से अपने बालों में अच्छे से मसाज कर लेंगे। मसाज करने के बाद आप आपके बालों की लेंथ पे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। अपने बालों में छोड़ेंगे 30-40 मिनट्स के लिए और उसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से आप अपने बालों को वॉश ऑफ कर लेंगे। तो आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी अपने बालों में लगा कर रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो शैम्पू करने के 30-40 मिनट्स पहले भी आप इसे अपने बालों में यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैंने इतना राइस वाटर क्यों बनाया है, क्योंकि मैं इस राइस वाटर को यूज़ करने वाली हूँ फॉर 15 डेज़ के लिए। मैंने अपने बालों में राइस वाटर को कई बार यूज़ किया है बट मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि इसकी वजह से मेरे बालों की जो हेयर ग्रोथ है वो कितनी हुई है, मतलब मेरे बाल कितने इंच ग्रो हुए हैं। तो मैं इस राइस वाटर को यूज़ करूँगी अपने बालों में 15 दिन के लिए और 15 दिन के बाद मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी। गाइस, इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करना, ये आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी।
नेचुरल रेमेडी है, थोड़ा टाइम लगेगा आपके बालों की ग्रोथ को होने में, क्योंकि इंस्टेंट रिजल्ट तो कोई भी रेमेडी नहीं देती है, पर इंस्टेंट आपको एक रिजल्ट ज़रूर मिलेगा कि आपके बाल काफ़ी सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी हो जाएंगे, बट बालों की ग्रोथ देखने के लिए आपको उसको एटलीस्ट 7 से 10 दिन तक लगाना पड़ेगा और उसके बाद आपको इसके विजिबल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो इसका जो रिजल्ट है वो आपको ज़रूर मिलेगा। आप एक बार गूगल कर चेक करिएगा, जो याओ वुमेंस होती हैं वो अपने बालों में राइस वाटर का यूज़ करती हैं, तो उसकी वजह से उनके जो बाल हैं वो कितने ज़्यादा लंबे, काले, घने होते हैं। तो मैं इस रेमेडी को ट्राई करूँगी फॉर 15 डेज़, आप भी चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करना अगर आप अपने बालों की हेयर ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं। आई रियली होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर मैं शेयर करती हूँ नेचुरल रेमेडीज रिगार्डिंग टू स्किन केयर एंड हेयर केयर। तो अगर आप भी अपने बालों को नेचुरल तरीके से ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की नेचुरल रेमेडीज़ को देखने के लिए। और अब मैं आपसे मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट हेयर रेमेडी के साथ। टिल देन बाय।